কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও করে লে থসরে টেনশন আরে কাও করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कमिटी। कंपटीशन कमिटी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कंपटीशन कमिटी की इस टॉप एमसीक्यू सीरीज में टारगेट ऑन प्लिंथ में हमारा जो विषय चल रहा है वह है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम अभी जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एंड वायसराय के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। क्लियर है? तो आज क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उन चीजों का तो हम जानकारी लेंगे ही, और क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली हैं उसके बारे में थोड़ी आपको बता दूंगा। तो यहां पर हमने जाना कि आधुनिक भारत की जो शुरुआत हुई वह हुई यूरोपियों के आगमन से, और यूरोपियों के आगमन में हमने देखा कि कैसे यहां पर पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, इसके अलावा फ्रांसीसी आए, और सभी ने यहां पर व्यापार करने के लिए अपनी एक कंपनी खोली। ठीक, ईस्ट इंडिया ने, जैसे ईस्ट इंडिया एक कंपनी, फ्रांसीसियों की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी पूर्वी क्षेत्र में यूरोप के देशों के द्वारा पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए यहां पर कंपनियां खोली जा रही। परंतु कंपनी में व्यापार जब बढ़ेगा तो साथ ही साथ ये जितनी भी कंपनियां हैं एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप, इंटरफेयर करना चालू करेंगे, और इंटरफेयर करने के कारण यहां पर देखने मिलता है कि धीरे धीरे अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर्स जो है, अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए भारत में कार्य कर रही अन्य कंपनियों को बाहर करने का प्रयास करती हैं, और इसमें यह बहुत हद तक सफल हो जाती है। और हमको देखने मिलता है कि न यहां पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रह पाती है, न डच रह पाते हैं, न पुर्तगाली रह पाते हैं। सभी की व्यापारी कंपनियों को यहां पर ब्रिटिशर्स के द्वारा खत्म कर दिया जाता है और उनके व्यापार को तबाह कर दिया जाता है। ठीक, तो यहां पर शुरुआती दौर में हमने देखा यूरोपियों के आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक, जिसमें हमने जाना कि एक ब्रिटिश शक्ति यहां पर उभर कर आ रही है। फिर हमने देखा कि यूरोपीय कंपनी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर जब व्यापार कर रही थी तो व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे ये कंपनियां जो हैं, व्यापारी कंपनी जो हैं, भारत के देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट जो हुआ करते थे उनके मामलों में इनका हस्तक्षेप बढ़ गया। अब आप बोलेंगे सर इनका इंटरफेयर करने का कारण क्या था, ये काहे यहां के राजाओं के मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे। हस्तक्षेप करने का मतलब यह है कि उनके क्षेत्र में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसके अलावा जो राजस्व संबंधी जो मामले हैं उसे ये कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करना और व्यापार से पैसा कमाना। तो पैसे कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए इनको व्यापारी छूट चाहिए थी, और उन्हीं छूट को या दस्तक जो उन्हें मिल रहे थे उसका ये दुरुपयोग करना चाहते थे। और जब ये इसका उपयोग करने के लिए आगे बढ़ते थे तो उस समय वहां के राजा क्या करते थे, इन पर रोक लगाने का प्रयास करते थे, जिसे हमने बंगाल में देखा कि सिराजुद्दौला ने कैसे अंग्रेजों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, परंतु रॉबर्ट क्लाइव ने, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर ने, कैसे चालाकी से सिराजुद्दौला को ही खत्म कर दिया। ठीक, और बंगाल का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। बंगाल के अलावा हम देखते हैं कि मराठा भी, जो मराठा एक साम्राज्य, जो एक उभरता हुआ सितारा था, वह भी क्या हो गया, डूब गया। यानी मराठा को भी, धीरे धीरे मराठा क्षेत्रों को भी इन्हीं अंग्रेजों ने हड़प लिया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जाना था कि कैसे मराठा और बंगाल जो है
अंग्रेजों के अधीन चले गए। धीरे धीरे अगर हम यह देखें कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत के 70-80% क्षेत्रों पर हो जाता है, कुछ क्षेत्र बचे रहते हैं जो स्वतंत्र रियासत के रूप में जाने जाएंगे, परंतु अधिकतर जो क्षेत्र हैं इनके अधीन आ जाएंगे। और जो क्षेत्र बच भी जा रहे हैं वहां पर ये कुछ संधियां करेंगे, कुछ ट्रीटीज करेंगे और संधियों के अंतर्गत उन राज्यों के साथ सहयोग लेते रहेंगे। इस प्रकार की ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर अपना साम्राज्य का विस्तार जब कर ली, तो करने के पश्चात यहां पर अब इनका ध्यान होगा प्रशासनिक क्षेत्र पर, प्रशासन पर। यहां पर अब हम एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, भारतीय राज्य व्यवस्था को कैसे संभाला जाए, इस पर इनका ध्यान होगा। और इस पर ध्यान देने के लिए अब हमें यहां पर भारत में अंग्रेजों के द्वारा नए पद सृजित करते हुए दिखेंगे। जैसे हमने देखा था एक बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और यहीं से कहानी क्या है शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आज के विषय के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में जो हमने जाना कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं, उस टॉपिक में हम देखेंगे भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में और 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, 1757 से लेकर 1857 तक की पूरी चीजों को हम कवर करने का कोशिश या प्रयास करेंगे। इसके अलावा कुछ वायसराय के कार्यों के बारे में भी जानेंगे। और मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, जितने भी टॉपिक को पढ़ने का जो तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल आप उसी को फॉलो करिए। ठीक है, क्या है समानांतर में, पैरेलल में बहुत सारी चीजें हो रही है। एक तरफ अंग्रेजों का शासन भी चलेगा और एक तरफ फिर धीरे धीरे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी शुरुआत हो जाएगी। ठीक, तो आज हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए। तो यहां मैंने बताया कि बंगाल का जो पहला गवर्नर हुआ, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर। पूछेगा एग्जाम में, ध्यान देना, यहां पर मैं जितनी भी चीजें बताऊं उसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, इसके बाद देखिए, जब आप पूछे कि भारत का, ठीक, इसके बाद आप पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, जिन छात्रों को पता है कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहेंगे, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से तैयार होने वाला है। ठीक, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जिसका नाम हमें मिलेगा वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक, इसके बाद तीसरे क्रम में बंगाल के पश्चात, अब यहीं पर एक शब्द बदलेगा, बंगाल के बाद हम लिखेंगे भारत, और भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो यहां लिखेंगे हम विलियम बेंटिक। ठीक, इसे हम कहेंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है? ठीक, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, फिर बंगाल का, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ये जो शब्दावली है, इस शब्दों को आप ध्यान दीजिए, इसी शब्दों के हेर फेर में
आपके जवाब गलत होने की प्रोबेबिलिटी या संभावना ज्यादा रहती है। ठीक, चलिए अगला जो है भारत का, अब गवर्नर जनरल का पद हो गया तो भारत का पहला वायसराय पूछा जाएगा। पहला वायसराय क्लियर है, भारत का पहला वायसराय। ठीक है, सभी कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहेंगे जिनको पता है, और जिनको नहीं पता है वो यहां देखते रहेंगे। क्लियर है, तो भारत का पहला वायसराय जिनका नाम होगा लॉर्ड कैनिंग। वैसे तो अगर मैं कहूं कि अंग्रेजों को लॉर्ड कहने की जरूरत ही नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है, ठीक है, इन्होंने जो कार्य किया उसकी सजा आज भी भारत कुछ चीजों में भुगत रहा है, ठीक है, तो इसीलिए कोई लॉर्ड कहने लायक नहीं है। फिर भी क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों पर ये इनको ऐसा नाम देना पड़ता है, ठीक, वरना सिंपल कैनिंग बोलेंगे वही ज्यादा हमारे लिए बेटर है। ठीक है, फिर भी याद रखने के लिए आप लॉर्ड कैनिंग बोलिए। क्लियर है, चलिए अगला है भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय के पश्चात। अब हमको जानना होगा कि वायसराय का शासन जो है, वायसराय जो टर्म है बहुत समय तक चलेगा। लॉर्ड कैनिंग के बाद अब जो वायसराय है आपको 1947 तक देखने को मिलेंगे। ठीक, जब देश आजाद हो रहा था तब भारत का अंतिम वायसराय हमको देखने मिलेगा। भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भेजा जाएगा, अंतिम वायसराय अंतिम वायसराय जिनका नाम होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर है कि नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय, और इसके समय में ही भारत आजाद हो जाएगा, भारत स्वतंत्र हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब ये भारत जो शब्द कह रहा हूं इसी शब्दावली का प्रयोग भविष्य में किया जाना है। इंडिया शब्द अब आपके लिए कहीं ना कहीं आगे चलकर कुछ अगर संशोधन हो जाए पार्लियामेंट में तो यहां पर इंडिया शब्द अब हम नहीं बोल पाएंगे। क्लियर है, हर जगह भारत अब नाम आपको देखने मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगला जो है इस प्रश्न का जवाब आप देंगे, और वह है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब देंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल, शब्द को ध्यान देंगे, स्वतंत्र कहा जा रहा है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल इसके बारे में आप बताएंगे कौन थे। ठीक, तो यहां पर हमने एक देखा कि भारत में कौन कौन से गवर्नर जनरल और वायसराय के पद हुए, जिसमें बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला, भारत का पहला गवर्नर जनरल जिसका नाम था विलियम बेंटी, और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन जाना गया, जब देश हमारा क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक, चलिए अब यहां हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि शुरुआती 100 सालों में अंग्रेजों ने क्या किया। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, ठीक, देखो बात शुरू होगी रॉबर्ट क्लाइव से। ठीक, पहले गवर्नर के बारे में हम जान रहे हैं, वह है रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव का जो समय था वह था 1757 से लेकर 60 तक,
1757 से लेकर 60 तक और यह दूसरी बार फिर से आएगा 65 से 67 तक, दो बार आएगा, दो बार यहां पर यह गवर्नर बनकर आता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव की अगर मैं बात करूं, रॉबर्ट क्लाइव के समय में क्या क्या चीजें हुई, उन चीजों को हम लोग विशेष चीजों को देखते चलेंगे, जितने भी गवर्नर हैं गवर्नर जनरल के बारे में। पहला चीज तो ये बंगाल का पहला क्या है, गवर्नर है, बंगाल का पहला गवर्नर कहलाया रॉबर्ट क्लाइव। यही वो चालबाज और धोखेबाज है जिसके कारण सिराजुद्दौला जो बंगाल का जो नवाब था उसे इसने हटा दिया और एक लड़ाई लड़ी जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो यहां पर हम लिखेंगे इसी के काल में हमें देखने को मिला प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी इसी के काल में हमको देखने को मिला। और बैटल ऑफ प्लासी की अगर मैं बात करूं तो यह घटना है 23 जून 1757 की, 1757 की। इसी घटना के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों का आधिपत्य शुरू हो गया। ठीक, अगली जो घटना इसके समय में हमको देखने मिलती है वह है इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, यह भी हमें देखने को मिलती है। और यह इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, सब पढ़ाया हूं मैं, बताएंगे सब जवाब। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, 1765 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि। ठीक, इसी इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत आपने देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन, ड्वेल सिस्टम लागू किया भारत में। क्या लागू किया था इसने, द्वैध शासन, द्वैध शासन, ड्वेल गवर्नमेंट, ड्वेल सिस्टम, ड्वेल सिस्टम अप्लाई किया इसने। ठीक, इस द्वैध शासन में हमको देखने मिलता है कि इसने राजस्व के पूरे मामले अपने हाथों में रख लिए अंग्रेजों ने, और राजस्व या दीवानी के सारे मामले अपने पास रखकर जो प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य हैं वह बंगाल के नवाब को दे दिए, बंगाल के नवाब को दे दिया गया। यही हमने देखा कि इसने बंगाल के क्षेत्र में दीवानी के लिए, बंगाल के क्षेत्र में दीवानी के लिए इसने एक उप दीवान को बैठाया था जिसका नाम था मोहम्मद रजा खां, मोहम्मद राजा खां को बिठाया, राजा खां को, क्लियर है। इसके अलावा बिहार में कौन दिखा था आपको बताइए, बिहार में किसे बिठाया गया था, बिहार में सीताब राय, सीताब राय को बिठाया गया था, सीताब राय को। उड़ीसा में आप अगर चले जाए, उड़ीसा में, उड़ीसा में यहां पर थे दुर्लभ राय, राय दुर्लभ, राय दुर्लभ, राय दुर्लभ, क्लियर है। ठीक, तो यहां पर इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि के समय राजस्व के अधिकार, राजस्व और दीवानी के अधिकार, संपूर्ण अधिकार किसने रख लिए, यहां पर पूरे अधिकार जो है रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेजों के पास आ चुके हैं, और प्रशासनिक अधिकार जो है बंगाल के नवाब के पास रहेंगे, बंगाल के नवाब के पास रहेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक गवर्नर हमको देखने मिले थे जिनका नाम था वेंसी टाट, वेंसी टाट। और वेंसी टाट की अगर मैं बात करूं तो यह 1760 से 64 के बीच में रहेगा, और इस बीच के घटनाक्रम में यही वो गवर्नर था जिसके समय में
बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर की अगर बात करें तो यह होगा 22 अक्टूबर 1764 को। क्लियर है, 22 अक्टूबर 1764 के दिन यह लड़ाई वेंसिटार्ड के काल में हमको देखने मिली थी। वेंसिटार्ड के बाद 65 से 67 रॉबर्ट क्लाइव फिर से आया था, 2 साल के लिए शासन किया। इसके बाद हमको देखने मिलेगा वर्सिलेट, वर्सिलेट, ठीक। वर्सिलेट के टाइम को आपको याद नहीं रखना है, बस आप देख लीजिए 67 से 69 तक यह रहेगा, ठीक, बस इतना ही ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो आया कार्टियर आया, कार्टियर, कार्टियर की अगर बात करूं तो कार्टियर जो है 69 से 72 तक रहेगा, 72 तक यह रहेगा। इसके बाद हम देखें वर्सिलेट कार्टियर, अगला जो हमें देखने को मिलेगा वह है वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का अगर टाइम की अगर बात करूं तो यह 1772 से लेकर आपको 1785 तक शासन करता हुआ दिखेगा, ठीक। बहुत लंबे शासन तक, लंबे समय तक यह शासन करता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक। वॉरेन हेस्टिंग जैसे ही बंगाल का गवर्नर बना, बंगाल का गवर्नर बना, उसी समय इसने जो रॉबर्ट क्लाइव की द्वैध शासन की जो प्रक्रिया थी उसे समाप्त कर दिया। द्वैध शासन, ड्वेल सिस्टम, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। और द्वैध शासन को समाप्त करते हुए, एबॉलिश करते हुए, द्वैध शासन को एबॉलिश या समाप्त करते हुए इसने यहां पर अब जो प्रशासनिक और दीवानी कार्य अलग अलग थे उसे एक कर लिया और अपने पास ही रख लिए, ठीक। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है उसे देखिए। इसके समय में ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया, ठीक। इसी एक्ट के तहत अब ये बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। इसी एक्ट के तहत यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कहीं ना कहीं यही बना, ठीक है। यानी इसके पद के बाद यहां पर चीजें बदल गई और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल यह कहलाने लगेगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक। तो 73 के बाद हम यह कह सकते हैं कि 72 से 73 तक का जो समय था वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य किया, अब यह है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाएगा, ठीक। इसने अपने समय में, वॉरेन हेस्टिंग ने अपने समय में दीवानी और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी अदालतों का निर्माण किया, दीवानी और फौजदारी अदालतों का निर्माण किया, अदालतों का निर्माण किया और इसकी शुरुआत की। दीवानी या फौजदारी, जिन छात्रों को नहीं पता हो उनको बता देना चाहूं, दीवानी यानी कि आपके राजस्व संबंधी जो मामले हैं दीवानी कोर्ट में जाया करती हैं, और फौजदारी मामले जो हैं आपके क्राइम से संबंधित जो मामले हैं वो आपके कहां जाएंगे, क्रिमिनल जो मामले हैं वो फौजदारी न्यायालय में जाती हैं, ठीक है। ये ऐसी न्यायालय की स्थापना इसके द्वारा की गई। साथ ही साथ इसके टाइम पीरियड में ही हमें कलकत्ता में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की इसने स्थापना की,
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, सुप्रीम कोर्ट, और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले जज के रूप में जो नियुक्त हुए उनका नाम था एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, ये इस कोर्ट के यहां पर जज बने। तो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने? एलिजा इम्पे बने। इसके अलावा यहां हमें देखने को मिलेगा कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में ही, वॉरेन हेस्टिंग में एक बंगाल में या कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया। यहां पर हमें देखने मिलता है 1784 में, 1784 की बात है जब विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है उसे समझिए, ठीक है? आपके लिए आगे चलकर बहुत सारे जो आप अगर मेंस के एग्जाम लिखेंगे तो वहां पर काम भी आएगा, ठीक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अंग्रेजों की एक सोच है, और कैसी सोच है उसे देखिए। जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स जो हैं यहां पर एकमात्र उद्देश्य लेकर आए हैं व्यापार करना और व्यापार से पैसे कमाना, ठीक, राजस्व बढ़ोतरी करना, डन, ये इनका एकमात्र उद्देश्य है। अब ये अंग्रेज जो हैं कैसे चालाकी कर रहे हैं उसे देखिए। अंग्रेज चाहते थे कि भारत में, भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, इनके जो साहित्य हैं, इन्हें हम लोग पढ़ें और हम समझें कि यहां का मार्केट क्या है, यहां का बाजार क्या डिमांड करता है, यहां के लोगों की क्या डिमांड है, ताकि हम उनकी पूर्ति कर सके, जैसी डिमांड वैसी पूर्ति कर सके। इसके अलावा ये भारत की संस्कृति को पढ़कर जानकर उसी पर सवाल करने का काम करेंगे, उसी पर सवालिया निशान लगाएंगे, यही वो अंग्रेज हैं, ठीक है। ये अंग्रेज जो हैं इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर रहे हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यहां इमेज में देख लीजिए आप, ये देखिए, यह जो इमेज आप देख रहे हैं यह है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आज भी आप कलकत्ता जाएंगे तो यह आपको देखने मिलेगा, ठीक। इसी एशियाटिक ऑफ सोसाइटी ऑफ बंगाल में अंग्रेज जितने भी अधिकारी आएंगे उनको बैठाया जाएगा यहां, और हमारे यहां के पुराने वेदों को, महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, सभी को ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके पढ़ाया जाएगा, और इनको बताया जाएगा कि देखिए भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति, ठीक है, जिसे कहीं ना कहीं ये पिछड़ा हुआ साबित करने का प्रयास करेंगे अंग्रेज, ठीक। तो यहां पर भारतीय संस्कृति को पढ़ने के लिए, जानने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया गया, जहां पर सभी अंग्रेज आते थे और यहां भारत को जानने का प्रयास करते थे। इसी को जानने के बाद इनका दिमाग खुलेगा, इसी को जानने के बाद दिमाग खुलेगा कि भाई भारत, तो भारत में ऐतिहासिकता की अगर बात करें तो ये तो भारत सबसे पुराना है ना, भारत सबसे पुराना है। यहां पर साइंस तब से डेवलप है, विज्ञान की भाषा ये लोग तब से जानते हैं, ठीक है। जब हम गुप्त काल के मंदिरों को देखते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों को देखते हैं, उस समय से इनको विज्ञान की, ज्यामिति की, त्रिकोणमिति की, ट्रिग्नोमेट्री की, ज्योमेट्री की, सबकी जानकारी है, सबकी जानकारी है। और ये अंग्रेज अब कहीं ना कहीं पेटेंट करवा के बोलेंगे कि ये हमारी देन है, ये हमारी देन है, ये प्रयास है इनका, ठीक। हमारे भारत में ऐसा कुछ हमें, कुछ बचा ही नहीं जिसकी खोज हमने नहीं की हो,
या जिसकी जानकारी हमारे भारतीयों को ना हो। ठीक, बस हुआ ये कि अंग्रेज आए और पूरे हमारे कल्चर पर अपना लेबल और टैग लगाकर चले गए। था हमारा बट अंग्रेजों ने हर चीज ली। याद होगा मराठाओं के टाइम में एक बाघ नंग मैंने बताया था, बाघ नंग अभी चर्चा में भी है, आप करंट अफेयर में देखिएगा बाघ नंग के बारे में और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि बाघ नंग अभी वर्तमान में कहां है। ठीक, चलिए यहां आते हैं। तो यहां मैंने बताया कि एक एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जा रही है, जहां पर ब्रिटिशर्स जो है हमारे भारतीय संस्कृति को, कल्चर को जानने का प्रयास करेंगे। इसी बीच आप देखेंगे विलियम विल्किंस के द्वारा, विलियम विल्किंस ने भी आगे चलकर भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद ट्रांसलेशन किया ताकि ये इन्हें पढ़ सके। फिर हम देखते हैं किन्हीं के समय काल में एक मदरसा की भी स्थापना की जाती है, मदरसा के अलावा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाएगी, ठीक। तो यहां पर आपको क्या क्या बातें समझ में आ रही बताइए। एक बात तो समझ में आ गई ना कि भाई ये अंग्रेज हमारे भारत के लैंग्वेज भाषाओं पर अध्ययन कर रहे हैं और अपने भाषा में, अंग्रेजी भाषा में सभी ग्रंथों को यहां पर ट्रांसलेट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर बनारस में आप देख रहे हैं संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जा रही है, साथ ही साथ मदरसा की भी स्थापना होती हुई आपको दिख रही है। ये सबके पीछे अंग्रेजों की चाल है और कुल मिला के एक ही इनका उद्देश्य, मैं बार बार बोलता आया हूं, वह है व्यापार या बिजनेस, इनको व्यापार या बिजनेस करना। ठीक, चलिए अब इन्हीं के समय में भारत में, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में भारत में 1784 ईस्वी में हमें पीट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ और पीट्स इंडिया एक्ट लागू होने के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो छीनने की बात कही गई थी और वॉरेन हेस्टिंग्स के भी कुछ कार्य ऐसे थे जो अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आए और वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुला लिया गया। ठीक है, यहां तक चीजें। चलिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद अगले जो बंगाल के गवर्नर जनरल आएंगे उनका नाम होगा लॉर्ड कॉर्नवॉलिस। इसकी अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड चालू होगा 1786 से लेकर 93 तक, 1786 से 93 तक। इसने अपने टाइम में एक संहिता की शुरुआत की जिसे कहा जाता है कॉर्नवॉलिस संहिता। ठीक, साथ ही साथ इसी कॉर्नवॉलिस ने कलेक्टर के पद का सृजन भी किया था। ठीक, कलेक्टर के पद का सृजन किया और कलेक्टर के पद को सृजित करते हुए इसने सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यह किया
कि सेपरेशन ऑफ पावर किया, शक्तियों का पृथककरण, ठीक है, शक्तियों का पृथककरण। धीरे धीरे समझिए क्या चीजों को। तो यहां पर इसने क्या किया, शक्तियों का पृथककरण किया, पृथककरण जिसे हम कहेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथककरण। देखिए, शक्तियों का पृथककरण में हुआ क्या, शक्तियों के पृथककरण में यहां कॉर्नवालिस ने यह काम किया कि जो अभी तक मैंने बताया था कि राजस्व के मामले और प्रशासनिक मामले जो एक ही व्यक्ति के हाथ में हुआ करते थे, उसे दोनों को अलग कर दिया। तो यहां पर क्या कर दिया गया, राजस्व संबंधी मामले अलग हुए और प्रशासनिक मामलों को अलग किया गया। ठीक। तो शक्तियों के पृथककरण में, सेपरेशन ऑफ पावर में, रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी मामले थे उसे अलग अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक। चलिए, इन सब चीजों को देखते हुए, ठीक, इसे नागरिक सेवा का जनक कहा गया। नागरिक सेवा का जनक कहा गया। याद रखेंगे, ये लाइन बहुत बार पूछी गई है इससे संबंधित। तो नागरिक सेवा का जनक हम किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे नागरिक सेवा का जनक के रूप में जाने जाने वाला व्यक्ति है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक। नागरिक सेवा का जनक कौन है, तो कॉर्नवालिस। ठीक। इसने अब न्यायालय की व्यवस्था को सुधारते हुए सर्किट कोर्ट की स्थापना की, और सर्किट कोर्ट का मतलब जो छोटे छोटे स्थानों पर जाकर न्याय का कार्य करेंगे और घूम घूम कर वहां पर न्यायालय जो है ट्रेवल करेंगे, यात्रा करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह तक जाएंगे, ऐसे कुछ सर्किट कोर्ट बनाए गए थे। ठीक है, सर्किट कोर्ट। ठीक। क्योंकि इनका एक उद्देश्य था कि बड़े क्षेत्र में, कलकत्ता में देखें तो एक सुप्रीम कोर्ट है, परंतु छोटे छोटे क्षेत्र को भी कवर करना है, इसीलिए एक सर्किट कोर्ट की स्थापना कर रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की, 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की। इन 4 सर्किट कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पहला हमें मिलेगा कलकत्ता में, पहला कहां मिलेगा, कलकत्ता में। दूसरा जो है मुर्शिदाबाद में। तीसरा जो है वह है ढाका में। चौथा हमें देखने को मिलेगा बिहार के पटना में। क्लियर है, 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना इसने अपने समय काल में की थी। ठीक। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसने वर्क किया था वह है परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करना। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इसने की। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इसने की। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है सबको? ठीक। 2 बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ ली हमने, एक था लॉर्ड कॉर्नवालिस और एक है वॉरेन हेस्टिंग्स। कुछ प्रश्नों को देखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक। बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कौन सा आंसर सही होगा बताएंगे, कौन सा आंसर सही होगा उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, जवाब के बारे में बताएंगे कौन सा सही है।
ठीक, तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर है, ये गलत है। विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो सेकंड वाला सही है। ठीक है, तो केवल दो करेक्ट है, नहीं हाँ ठीक, तो यहां पर केवल दो करेक्ट है। विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक, चलिए अब यहां पर अगला हम देखते हैं, और अगले गवर्नर जनरल के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम था सर जॉन सोर। सर जॉन सोर, ठीक है, सर जॉन सोर की अगर मैं बात करूं तो इसका टाइम पीरियड हमें मिलेगा 1793 से लेकर 98 तक, 1793 से लेकर 98 तक, और ये बिल्कुल ही निष्क्रिय गवर्नर जनरल था। ठीक है, निष्क्रिय गवर्नर जनरल, इसके समय में 1793 में चार्टर एक्ट आया था, 1793 का चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, क्लियर है। ये जितने भी एक्ट हैं, रेगुलेटिंग एक्ट हैं, चार्टर एक्ट हैं, जितने भी चार्टर एक्ट आएंगे, ये चार्टर एक्ट के बारे में आप संवैधानिक विकास यानी पॉलिटी जब शुरू होती है तो संवैधानिक विकास वाले चैप्टर में आप इसे पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट के प्रोसेस में ये सब चीजें आती हैं। ठीक, इसके अलावा सर जॉन सोर ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, अहस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई और किसी भी मामलों पर इसने इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि इसकी पॉलिसी ही ऐसी थी। ठीक, चलिए इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली की अगर बात करें तो यह रहेगा 98 से लेकर 1805 तक। लॉर्ड वेलेजली के समय में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी इंसिडेंट हैं इसके समय के सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक, इसने उस समय जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उन अंग्रेजों के लिए इसने 1802 में फोर्ट विलियम की स्थापना की। ठीक, फोर्ट विलियम में इसने जितने भी सिविल सेवक हैं उनकी तैयारी के लिए इस फोर्ट विलियम को तैयार किया। ठीक है, इसके अलावा इसने अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया और इसने यह नियम निकाला कि कोई भी अखबार अगर पेपर अगर छपेगा तो उसमें मुद्रक व उसके मालिक स्वामी का नाम होना जरूरी है। ठीक है, बिना मुद्रक या स्वामी का या मालिक का नाम अगर छपे पेपर अगर जारी होता है तो वैसे पेपर्स को प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, बैन लगा दिया जाएगा। ऐसा सेंसरशिप पहली बार इस वेलेजली ने किया था। ठीक, अब वेलेजली को किस लिए याद किया जाता है उसे देखिए, तो वेलेजली को याद किया जाता है सहायक संधि के लिए, इसकी सहायक संधि के लिए वेलेजली को याद किया जाता है, सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि जिसे हम कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस, क्लियर है, सहायक संधि, ध्यान समझिएगा। एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है और मेंस में भी आपको लिखने को मिलता है। ठीक, ध्यान से, सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस की अगर मैं बात करता हूं,
ठीक। तो यह किसके दिमाग की उपज थी अगर आपको पूछता है, किसने पहली बार सोचा था सहायक संधि के बारे में, तो वह था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ठीक है, जन्मदाता के रूप में अगर आपको पूछा जाए, जन्मदाता, ठीक, जन्मदाता के रूप में अगर आपको पूछा जाता है तो आप नाम लेंगे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, ठीक है, इसने ही सबसे पहले इस व्यवस्था के बारे में सोचा था और आगे चलकर वेलेजली ने इसे लागू किया। ठीक, वेलेजली ने इस व्यवस्था को लागू किया। वेलेजली ने इसे लागू किया। ठीक, अब देखिए सब्सिडी अलायंस या सहायक संधि में होता क्या है। इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने एक चाल चली, अंग्रेजों ने एक चाल चली, पहले से ये लोग दिमाग लगाते रहते थे कुछ ना कुछ, और ये भी इनके ही धोखा देने का एक तरीका था और राजाओं को, देसी रियासतों के राजाओं को अपनी चाल में फंसाने का एक तरीका था। देखिए होता क्या है, ये वेलेजली जो है या अंग्रेज जो है, उस समय भारतीय रियासतों के साथ एक संधि करते हैं और उस संधि के तहत उन्हें सुरक्षा देने की बात कहते हैं, सुरक्षा देने की बात कहते हैं। ठीक, यानी अब देसी रियासतों को सुरक्षा संबंधी जो मामले हैं उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे अगर ये मान लो ये रायगढ़ कोई रियासत है, रायगढ़ का जितना भी क्षेत्र है उसकी सुरक्षा अभी कहीं ना कहीं रायगढ़ के सैनिक कर रहे हैं, परंतु अब क्या होगा इस सहायक संधि के अंतर्गत, यहां जितने भी सैनिक सुरक्षा देंगे वो क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। ये जितने भी सैनिक सुरक्षा देंगे अब यहां पर अंग्रेज होंगे। ठीक, देखिए क्लियर, ध्यान समझिए, अंग्रेज क्या दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। दूसरी बात, इस सहायक संधि के अंतर्गत यह होती थी कि ये अंग्रेज या ब्रिटिशर्स अगर किसी भी देशी रियासत को सुरक्षा अगर ये दे रहे हैं तो इनसे संबंधित अंग्रेजों से संबंधित जितने भी खर्च हैं या सैनिक संबंधित, सैन्य व्यवस्था संबंधित जितने भी खर्च हैं वो इस सारंगढ़ के या रायगढ़ के राजा को ही देने होते थे। राजा ही इन्हें पैसा दिया करता था क्योंकि सुरक्षा वो उन्हीं की कर रहा है। इसके अलावा इस राजा के सारे विदेशी मामले, फॉरेन मामले, विदेशी मामले पर नियंत्रण अंग्रेजों का होता था, विदेशी मामलों पर नियंत्रण अंग्रेजों का होता था। इसके अलावा अंग्रेजों ने इस समय इस संधि में एक और बात रखी कि कोई भी अदर यूरोपीय कंट्री का कोई भी व्यक्ति आपके क्षेत्र में अंग्रेजों की बिना सहमति के, परमिशन के नहीं आ सकता, रायगढ़ क्षेत्र में अंदर नहीं आ सकता। इसके निगरानी के लिए इसने, अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश अधीक्षक भी यहां रखा, ब्रिटिश अधीक्षक यहां रखा, जिसका कार्य क्या होता था, राजा पर निगरानी रखना, राजा के कार्यों में ध्यान देना। ठीक, राजा के प्रशासनिक कार्यों में देखना कि राजा जो है अंग्रेजों से बिना कुछ बातचीत किए कुछ दूसरा काम तो नहीं कर रहा, यह सब देखता था। ठीक, तो यहां पर देखिए
अब ये जो रायगढ़ का राजा है ये तो इनके चंगुल में फंस गया और अपने पूरे बाहरी मामले, एक्सटर्नल जितने भी मामले थे वो पूरे के पूरे मामले किसे सौंप दिए इसने? अंग्रेजों को। यही देसी रियासतों की सबसे बड़ी गलती थी कि सुरक्षा संबंधी और विदेशी मामले जो हैं इसने अंग्रेजों को सौंप दी। ठीक, यही था क्या सहायक संधि सब्सिडी अलायंस। ठीक, इस सब्सिडी अलायंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जिस रियासत ने अपनाया था वह था हैदराबाद। सबसे पहले हैदराबाद ने इसे सहायक संधि को स्वीकार किया था और वह स्वीकार किया था 1798 में। साथ ही साथ हैदराबाद के बाद दूसरे क्रम पर थे मैसूर और मैसूर 1799 में याद होगा टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात मैसूर को भी इस सहायक संधि के अंतर्गत ला लिया गया। फिर आपको मिलेगा जो क्षेत्र वह है तंजौर का क्षेत्र भी वर्ष 1800 तक शामिल हो गया। धीरे धीरे मराठा के भी क्षेत्र शामिल होने लगे जिसमें मराठों में पेशवा ने यह संधि कर ली 1802 में। तो इस प्रकार यहां पर सहायक संधि देसी रियासतों के ऊपर थोपे गए और जो भी देसी रियासत इन संधियों को अस्वीकार करता था उनसे अंग्रेज लड़ाइयां या युद्ध लड़ते थे। ठीक, तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद आपको पूछता है प्रश्न कि सबसे पहला देसी रियासत कौन सा था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। ठीक, चलिए अब वेलेजली के बाद यहां पर अगला जो हमें देखने मिलेगा गवर्नर जनरल वह उतना ज्यादा योग्य नहीं था, ना उसके बारे में आपको ज्यादा चीजें याद रखनी है। अगले गवर्नर के रूप में आपको देखने मिलेंगे लॉर्ड मिंटो। ठीक, क्लियर है? तो जॉर्ज बॉर्लो आते हैं और उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं। चलिए, तो यहां पर हम जानते हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में। ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट डे कहलाएंगे और इनका टाइम पीरियड मिलेगा 1807 से 13 तक। क्लियर है? लॉर्ड मिंटो इसके समय में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, उसी को ही पूछा जाता है। ठीक है, वह है ट्रीटी ऑफ अमृतसर की संधि। यह अमृतसर की संधि होगी वर्ष 1809 में। और अमृतसर की संधि करेंगे कौन? राजा रणजीत सिंह। ठीक, और जिनके साथ संधि होगी वह होंगे लॉर्ड मिंटो। ठीक, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इस संधि को करवाने वाला कौन था। ठीक, यहां ध्यान समझिए, मैंने बताया कि यह संधि जो है राजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच हुई, बट संधि को करवाने वाला व्यक्ति कौन था जिसने यह संधि करवाई है? ठीक, इसके अलावा रणजीत सिंह जो है और इनके बीच में जो संधि हो रही है उसके अंतर्गत बात यह हुई कि अब जो सिख जो साम्राज्य है उसकी एक सीमा का निर्धारण किया जाएगा और उसके आगे वो कभी आएंगे नहीं और अंग्रेज भी उस सीमा को कभी पार नहीं करेंगे और वह सीमा बनी जो एक बाउंड्री लाइन का काम करेगी वह है सतलज नदी के अगर हम देखें पश्चिम की ओर तो वहां पर रहेगा सिख साम्राज्य और
पूर्व की ओर ब्रिटिश अपना साम्राज्य का विस्तार रखेंगे। क्लियर है, ये कहीं ना कहीं बात इस संधि में निकल कर आई थी। ठीक, चलिए फिर हमें देखने मिलते हैं, हम कहां तक पहुंचे, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट तक, 13 तक आ चुके हैं। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बाद अगले जो आएंगे वह होंगे लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखेंगे वो वॉरेन हेस्टिंग था और यह है लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखेंगे क्या, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में यहां पर हम देखें तो इसका जो समय काल है वह है 1813 से लेकर 1823। लॉर्ड हेस्टिंग के समय नेपाल के साथ युद्ध होता है, नेपाल के साथ एक युद्ध होगा और इस युद्ध के पश्चात एक संधि होगी जिसे हम कहेंगे सुगौली की संधि। इस संधि के तहत नेपाल से भारत को रानीखेत, शिमला आदि क्षेत्र मिल जाएंगे। ठीक, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में, उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य में नेपाल का जो क्षेत्र हुआ करता था रानीखेत और शिमला, यह कहां जाएंगे, भारत में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में इन्होंने पिंडारियों का दमन किया, सप्रेशन ऑफ पिंडारियों का दमन और साथ ही साथ पिंडारियों को दमन करने के अलावा इन्होंने पेशवा के पद को भी समाप्त कर दिया, पेशवा के पद को समाप्त किया। ठीक, पेशवा के पद को समाप्त किया। अब देखिए पेशवा के पद को कब समाप्त किया गया था, याद कीजिए जब हम पढ़ रहे थे मराठा के बारे में और आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करें, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की, वो भी इसी के समय काल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के काल में हमें देखने को मिला, जो 1816 से लेकर 1818 तक चला था, 1816 से लेकर 1818 तक हमें देखने को मिला। क्लियर है यहां तक चीजें, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इसी के टाइम में हुआ था। ठीक, अब यहां पर अगले गवर्नर जनरल के रूप में आपको देखने मिलेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट। एमहर्स्ट के टाइम में ज्यादा कुछ चीजें नहीं हुई, इंपॉर्टेंट जो है वो है विलियम बेंटिक। तो हम लोग डायरेक्ट विलियम बेंटिक को पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं विलियम बेंटिक के बारे में। तो यहां अगले जो हमें देखने को मिलेंगे वह है लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो टाइम हमें मिलेगा वह मिलेगा 1828 से लेकर 35 तक, 1828 से लेकर 35 तक। ठीक, विलियम बेंटिक को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति अभी है, जैसे वेलेजली इंपॉर्टेंट था, वॉरेन हेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट क्लाइव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर किसी गवर्नर जनरल के बारे में आपको नहीं जानना है। ठीक है, बस आप अगर किसी अन्य जो गवर्नर जनरल है उनको अगर देखना चाहते हैं तो कभी अगर आपको क्रम में जमाने को दे दे उसी के लिए बस देखना पड़ता है, बाकी सभी गवर्नर जनरल आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए, कुछ ऐसा बदलाव किया, उसको ही आप देखते चलेंगे। ठीक, चलिए तो यहां पर इनके समय काल में हमको देखने मिलेगा वर्ष 1829 में
इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क किया, काम किया, वह था सती प्रथा को समाप्त, सती प्रथा को समाप्त किया। और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए उस समय जिन्होंने इनकी सहायता की थी वह थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने सहायता की थी। कमेंट सेक्शन में बताइए राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। ठीक, चलिए अगला है 1830 अपने कार्यकाल में इन्होंने कर्नल स्लीमन की सहायता से, स्लीमन की सहायता से इन्होंने उस समय के ठगी प्रथा का भी दमन किया था। ठगी प्रथा बहुत ज्यादा व्याप्त थी उस समय, ठगों का बहुत ज्यादा चलन था, तो उन ठगों को समाप्त करने के लिए इस समय यहां पर एक मुहिम चलाई गई कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में, जिसे हम कह रहे हैं क्या, ठगी प्रथा का दमन, ठगी प्रथा का दमन इन्होंने किया, समाप्त किया ठगी प्रथा को। इसके अलावा इनके कार्यकाल में ही कलकत्ता में, कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ठीक। जब इनका समय चल रहा था तो उसी समय 1833 की बात है जब यहां पर एक चार्टर एक्ट लागू किया गया, 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक। तो वर्ष 1833 में क्या आया, एक चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर, चार्टर एक्ट, ठीक। इस चार्टर एक्ट के तहत अब जो बदलाव होगा वह बदलाव यह होगा कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहला रहे थे, कौन, विलियम बेंटिक, जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे, अब वो कहलाएंगे भारत के गवर्नर जनरल। तो इसी एक्ट के तहत ये क्या बने, भारत के गवर्नर जनरल बने, भारत के पहले, पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बने। क्लियर है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप ध्यान रखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट जिसके तहत इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल, ठीक। चलिए इसके समय में हमें देखने मिलता है कि अब जो भारत में, भारत में शिक्षा पर ये ध्यान देंगे, और शिक्षा पर ध्यान देते हुए इनका मानना यह होगा कि भारत में हम कितने अधिकारी अंग्रेज बुलाएंगे जो लंदन या ब्रिटेन से आए, क्यों ना हम इन्हीं भारतीयों को, इन्हीं भारतीयों को शिक्षा दे, और शिक्षा देते हुए इन्हें अंग्रेजी शिक्षा से अंग्रेज बना दे, ठीक। अभी तो देसी शिक्षा, देसी एजुकेशन, अपने लोकल लैंग्वेज में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे हैं, परंतु अब इनका उद्देश्य क्या रहेगा, भारतीयों को अंग्रेज बना, और भारतीयों को अंग्रेज बनाने का बीड़ा उठाएंगे लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। और मैकॉले ने एक लाइन कही थी कि अब जो भारतीय दिखने में क्या होंगे, दिखने में तो भारतीय होंगे परंतु अंदर से पूरा इन्हें अंग्रेज बना दिया जाएगा, क्योंकि अब इंग्लिश कल्चर, ब्रिटेन की संस्कृति पूरी की पूरी यहां लाई जा रही है और भारतीयों पर थोपी जा रही है, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, मैकॉले के द्वारा इसी के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की गई, ठीक। साथ ही साथ
विधि आयोग, लॉ कमीशन, लॉ कमीशन का गठन किया गया। विधि आयोग लॉ कमीशन का गठन किया गया, लॉ कमीशन का गठन किया गया। ठीक, बताएंगे कि लॉ कमीशन के पहले प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन बने, इस लॉ कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन बने, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, तो मैकाले ने क्या करी, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की और विधि आयोग का गठन अपने समय काल में किया। ठीक, इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण यह लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब हम आगे देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के पश्चात आगे जो गवर्नर जनरल आएंगे बहुत ही छोटे छोटे समय काल के लिए आएंगे और बहुत ही जो उनका टाइम पीरियड होगा वो कम होगा, तो काम भी उनका कम होगा। तो थोड़ा देखते चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके पहले कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे। बताइए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, ये प्रश्न का आंसर देंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है इसको बताना है। ठीक, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है। ठीक, तो यहां पर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के बारे में बात की जा रही है, तो यह बात है एक्चुअल में, ठीक, जिसे हम कहेंगे रिंग फेंस थ्योरी, रिंग फेंस थ्योरी, या आपने इस शब्द को सुना होगा सुरक्षा घेरे की नीति, सुरक्षा घेरे की नीति। और सुरक्षा घेरे की अगर नीति की बात करूं तो यह लागू करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। इसमें ब्रिटिश ये सोचते थे कि हमारा जो भी क्षेत्र है, ब्रिटिश एम्पायर जहां तक है, उस क्षेत्र को सुरक्षित किया जाए और उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अन्य राज्यों को बफर स्टेट या बफर राज्य बनाया जाए। जैसे एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिए, ठीक, ध्यान दीजिए जिनको समझ ना आ रहा हो कि कैसा बफर स्टेट यहां पर बनेगा। देखिए, चलो यहां अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं बंगाल में शुरुआती दौर पर बंगाल में अंग्रेजों का शासन था और बंगाल के क्षेत्र को ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेज जो हैं, सुरक्षित करना चाहते थे, इसे अंग्रेज सुरक्षित करना चाहते थे। इन्होंने बंगाल को सुरक्षित करने के लिए उस समय अवध का क्षेत्र जो था, अवध का क्षेत्र जो था, उसे बफर राज्य घोषित किया था, बफर राज्य, बफर राज्य। तो ये बफर राज्य क्यों घोषित किया और किस लिए घोषित किया, देखिए, ये अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल सुरक्षित रहे और बंगाल सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अवध के राज्य से, अवध राज्य के नवाब से, उस समय इन्होंने जो समझौता और संधि की उसके अंतर्गत अगर कभी भी कहीं बाहरी आक्रमण होते हैं, बाहरी आक्रमण यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से या मराठों की तरफ से, ठीक है, मराठा आक्रमण कभी होता है तो उन आक्रमण से सुरक्षा देने का कार्य ये अवध करेगा और इसमें जो युद्ध लड़ेंगे वो अवध के सैनिक युद्ध में लड़ेंगे और मारे जाएंगे तो अवध के सैनिक इसमें मारे जाएंगे। इस प्रकार बंगाल को सुरक्षा देने के लिए इन्होंने अपने आसपास के राज्यों से संधि कर ली और संधि में यही बात उन्होंने की, यानी एक घेरा, अपने चारों तरफ एक घेरा, एक सर्किट ऐसा बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं ताकि बाहरी आक्रमण इन पर डायरेक्ट ना हो, पहले यहां ये पहले की द्वेषी रियासत उन पर आक्रमण हो और उसके बाद कहीं ना कहीं ये आगे बढ़े। तो ऐसा ये सुरक्षा देने का इन्होंने प्रयास किया था जिसको सुरक्षा घेरे की नीति कहते हैं।
यही सुरक्षा घेरे की नीति आगे बढ़कर आपको देखने मिलेगी सहायक संधि के रूप में जो हमने पढ़ लिया वेलेजली के टाइम में। ठीक, चलिए अब अगले जो छोटे छोटे गवर्नर जनरल भारत के जो बने बहुत कम समय के लिए उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे एक गवर्नर जनरल आएंगे जिनका नाम होगा मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक, मेटकॉफ की अगर बात करूं तो यह 1835 से 36 मात्र 35 से 36 तक ये यहां रहेंगे। और मेटकॉफ के लिए एक ही प्रश्न बार 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 मल्टीपल टाइम आपको एग्जाम में पूछेगा, वह है फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं, प्रेस के मुक्तिदाता। तो आप बताएंगे प्रेस के मुक्तिदाता कौन है, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ। यही प्रश्न को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेस को मुक्ति दिलाने का कार्य किन्होंने किया था, प्रेस के मुक्तिदाता कौन थे, तो वो है चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक, चलिए अगले गवर्नर के रूप में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक, उनका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड। ठीक, इनका टाइम पीरियड हमें मिलेगा 1836 से लेकर 42 तक, 36 से लेकर 42 तक। और इस समय में लॉर्ड ऑकलैंड को हम याद रखेंगे, ठीक, जब हम मुगल काल पढ़ रहे थे तो मैंने उस समय प्रश्न किया था कि शेर शाह के समय में जो रास्ता या रोड बनाया गया, जो पेशावर से लेकर बंगाल तक जो मार्ग का निर्माण किया गया, उसका नाम था सड़क ए आजम। और उस सड़क ए आजम को आगे चलकर अंग्रेजों ने क्या नाम दिया, बताइए कमेंट सेक्शन में, अंग्रेजों ने क्या नाम दिया, ठीक, अंग्रेजों ने क्या नाम दिया, तो उसका नाम ही उन्होंने दिया था, उनका नाम ही उन्होंने दिया था क्या, जीटी रोड। याद रखिए जो सड़क शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी वह थी सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। और इस सड़क ए आजम को लॉर्ड ऑकलैंड ने आगे चलकर जो नाम दिया, इसके समय में नाम परिवर्तित हुआ और यह कहलाया ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं, जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं। क्लियर है, तो लॉर्ड ऑकलैंड से संबंधित इस प्रश्न को विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद आएंगे एलन बरो, एलन बरो। एलन बरो भी बहुत समय, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं आएंगे, ये आपको 1842 से मात्र 44 तक आपको देखने मिलेंगे, एलन बरो। ठीक, एलन बरो को आप याद रखेंगे, एलन बरो ने एक ही इंपॉर्टेंट कार्य किया था, एक ही इंपॉर्टेंट कार्य किया था, वह था भारत में जो दास प्रथा, भारत में जो दास प्रथा चल रही है उसे समाप्त करना। ठीक, अभी अगर दास प्रथा का अगर मैं नाम ले लिया तो आप बताइए कि मुगल शासक है ना, किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था और किस वर्ष समाप्त किया था। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं ध्यान से, जिन्होंने पढ़ा है वो बताएंगे कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक, क्लियर है। वैसे ही जो दास प्रथा भारत में जो चल रही थी, स्लेव सिस्टम, उसे समाप्त करने का कार्य यहां पर एलन बरो ने किया था। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या, दास प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा समाप्त। ठीक, दास प्रथा के बाद स्लेव सिस्टम के पश्चात आपको देखने मिलेंगे एलन बरो के बाद वह होंगे लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग,
क्लियर है, लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड होगा 1844 से लेकर 48 तक। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग ने एक हार्ड डिसीजन लिया। और यह हार्ड डिसीजन क्या था, जो झारखंड के आदिवासियों के द्वारा उस समय खोंड जाति हुआ करती थी, उनके द्वारा जो नरबलि की प्रथा चलती थी, ह्यूमन सेक्रीफाइस, नरबलि की प्रथा को इन्होंने समाप्त किया। ठीक, बस्तर में भी दंतेश्वरी माता के मंदिर के पास आपको ऐसा एक पत्थर देखने को मिल सकता है जहां पर नरबलि की प्रथा चलती थी, हमारे बस्तर में भी प्रचलन में था। और यही वो समय है जब हमारे बस्तर में भी जब नरबलि प्रथा का अंत किया गया तो एक विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन से विद्रोह की शुरुआत हुई थी जब नरबलि प्रथा को समाप्त किया गया था बस्तर में। तो उस नरबलि को समाप्त करने का कार्य किया था लॉर्ड हार्डिंग ने, नरबलि की प्रथा समाप्त की गई थी। ठीक है, नरबलि की प्रथा समाप्त की गई या ह्यूमन सेक्रीफाइस को समाप्त किया गया। क्लियर है यहां तक चीजें? लॉर्ड हार्डिंग ने हार्ड डिसीजन लिया और क्या किया, ह्यूमन सेक्रीफाइस को, नरबलि की प्रथा को इन्होंने क्या किया, बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, चलिए एक प्रश्न है आपके सामने, इसका जवाब देंगे अब, है ना, फिर हम लोग जो अंतिम रूप से जो भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे उन्हें हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले आप इसे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है, इसे पहले आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ध्यान से बताएंगे क्या होगा। ठीक, सभी छात्र जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर देंगे, आंसर क्या होगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सहायक संधि जो है, मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत होगी 1798 में, 1798 में शुरुआत हुई थी। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हुआ 1833 में, और ब्रिटिश नागरिकों और व कंपनियों के लिए पहली बार भारत में व्यापार के लिए खोला गया था 1813 में। ठीक, यहां पर ये दो पॉइंट में आपको एक बात समझाने वाला, उसे ध्यान से देखिए। बक्सर का युद्ध तो जानते हैं, सहायक संधि को आप जान चुके हैं, है ना, यहां पर ये दोनों पॉइंट क्या बताए गए हैं उसे देखिए। पहले देखिए 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था 1813 का चार्टर एक्ट आया था। उस चार्टर एक्ट के तहत भारत में व्यापार के लिए बाहर की जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी को अधिकार नहीं दिया गया था कि वो भारत में आकर व्यापार कर सके। परंतु अब जो है भारत में अन्य जो व्यापारिक कंपनियां हैं, अन्य जो कंपनी है भारत में उन्हें व्यापार करने के लिए भेजा जा रहा है। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका जो मोनोपोली है, एकाधिकार, वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब आप बोले धीरे धीरे क्या खत्म होता है सर, खत्म करना है, पूरा खत्म करो भाई। धीरे धीरे खत्म करने का मतलब अभी भी ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, याद रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक अधिकार था 1813 में, पूर्णतः नहीं खत्म हुआ, आंशिक रूप से खत्म हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय चाय का चीन से व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। ठीक है, चाय का व्यापार चाइना से ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी कर सकती है और उसकी ही मोनोपोली या एकाधिकार बना रहेगा, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, दूसरा कोई कंपनी वहां पर व्यापार नहीं कर सकता। अब देखिए अगला पॉइंट, इस एक्ट में अभी चाय से व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का बचा हुआ है इस एक्ट के तहत, परंतु आगे चलकर
1833 में चाय का चीन से जो व्यापार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे भी समाप्त कर दिया गया, जिसे लिखा गया यहां पर क्या हो रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार क्या हो जाएगा, अब समाप्त हो जाएगा 1833 वाले में एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, कंप्लीटली मोनोपोली जो है एबॉलिश कर दी जाएगी, अब ब्रिटेन से पूरी की पूरी कंपनियां, जितनी भी अन्य कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, उन्हें भी व्यापार का अधिकार दिया जाएगा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, आप ये मत सोचिए कि पूरा का पूरा ब्रिटेन उठकर आ गया है, एक कंपनी है। जैसे हमारे यहाँ जियो है, BSNL है, एयरटेल है, ये अलग अलग कंपनी है ना, वैसी एक कंपनी व्यापार करने भारत आई थी। अब यहां पर सभी कंपनियों को बोल दिया गया कि आप बाहर जाकर व्यापार कर सकते हो। तो मान लो कि बात अगर जियो बस बाहर व्यापार करने जा रहा था, अब बोल दिया गया कि अब BSNL भी व्यापार करने जा सकता है, एयरटेल भी जा सकता है, आइडिया भी जा सकता है, सभी कंपनियों को बोल दिया गया भी कि आप जाकर बाहर व्यापार करो। ये सब परिवर्तन हुआ 1813 और 33 में। यह एग्जाम में CGPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, और भी इसमें चीजें हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। चलिए प्रश्नों को हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं, प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं और टॉपिक को भी हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए, यहां पर पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बताना है आपको। चलिए बताइए कौन सा इसमें गलत है, उसके बारे में आपको बताना है। ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा इसमें से गलत है। क्लियर यहां पर चीजें, ठीक। देखिए हेक्टर मुंडो के टाइम में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, हमने पढ़ चुका है। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हमने जाना था कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, नेपाल के साथ युद्ध हुआ और सुगोली की संधि हुई, जिसमें शिमला और रानीखेत का क्षेत्र हमारे पास आया था। लॉर्ड वेलेसली के काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जिसमें मैसूर का शेर टीपू सुल्तान मारा गया था, ठीक। बट कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मराठा नहीं हुआ था, यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी। तृतीय आंग्ल मराठा लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, वर्ष 1816 से लेकर 18 तक। क्लियर है यहां तक चीजें, क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइए, प्रश्नों को इसी प्रकार से सुमेलित है या नहीं है करके आपको पूछा जा रहा है, ठीक। चलिए अब यहां पर देखिए आप ध्यान से, एक अगले भारत के गवर्नर जनरल जिसको पढ़ना है, जो लॉर्ड हार्डिंग के बाद आएंगे, हार्ड डिसीजन जो लिए नरबली के बाद जो आएंगे, उनका नाम अब आ गया, जिनका नाम क्या है, लॉर्ड डलहौजी। अब पढ़ना किन के बारे में है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ना है, और लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के बारे में हमको जानना है कि लॉर्ड डलहौजी ने एक्चुअल में किया क्या, और क्यों हम लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं, मॉडर्न इंडिया, ठीक है, आधुनिक भारत को बनाने में इसने बहुत सारे योगदान दिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक। अगले हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड की अगर बात करूं तो 1800 लॉर्ड डलहौजी का जो समय है 1848 से लेकर हमें 56 तक देखने को मिलेगा, ठीक। लॉर्ड डलहौजी का जब भी नाम आता है, ठीक है, एक ऐसी इनकी पॉलिसी, एक ऐसी नीति को हम याद रखते हैं जिसके कारण जो देसी रियासत है, देसी रियासत प्रिंसली स्टेट, कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरनली इंडिपेंडेंट थे। समझिए बात को, मैंने क्या बोला, इंटरनली आंतरिक रूप से जो अभी स्वतंत्र थे उनकी आंतरिक स्वतंत्रता भी छीन ली जाएगी। ध्यान दीजिए, मैं जो शब्दों को बता रहा हूं उसे आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आपको भविष्य में जब मेंस की परीक्षा देनी होगी तो इन्हीं सब छोटे छोटे पॉइंट्स को, बिंदु को तो समझना है भाई, है ना। ये आधुनिक भारत मैंने बताया ना, मॉडर्न इंडिया खुद में ही एक पूरा एक सब्जेक्ट है। इतिहास 3 भाग में जरूर है ना,
बट ये तीन भाग जो है इतिहास के तीन सब्जेक्ट हैं। एंशियंट अलग ही है, मेडावल की कहानी पूरी अलग है, मॉडर्न की कहानी पूरी अलग है। ठीक, अब देखिए बात को मैं जो बता रहा हूं उसे समझिए। सहायक संधि के अंतर्गत आपने क्या देखा था कि अंग्रेजों ने जो बाहरी मामले हैं देसी रियासतों के, पूरे बाहरी मामलों पर उन्होंने नियंत्रण बना लिया और आंतरिक मामलों में अभी देसी रियासत के राजा स्वतंत्र हैं। परंतु यहां पर अब एक ऐसी नीति लागू होने वाली है और वो लागू करने वाला कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। और लॉर्ड डलहौजी क्या करेगा? लाएगा एक पॉलिसी जिसे हम कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। हड़प की नीति, ठीक। इस हड़प की नीति के तहत अब ये इनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप, इंटरफेयर करना चालू कर देगा, चालू कर देगा। ठीक, ध्यान दीजिए। चलिए, तो यहां पर हमें देखने को मिला कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक पॉलिसी, एक नीति लाई जाएगी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक नीति, एक पॉलिसी लेकर आई जाएगी जिसे हम कहते हैं क्या? हड़प की नीति या व्यपगत। इस शब्द को ध्यान देंगे मेरे शब्दों पर, व्यपगत का सिद्धांत। क्या कहेंगे इसे? व्यपगत का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसे ही कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्लियर है क्या यहां तक चीजें? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प की नीति। ठीक, अब इसमें होता क्या था? इस हड़प की नीति, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन लैप्स के तहत यहां पर इन्होंने दो नियम बनाए और उस नियम के तहत ये देसी रियासतों के क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश एम्पायर में उसका विलय कर रहे थे। पहला नियम यह था कि किसी राजा का अगर कोई पुत्र नहीं होता, पुत्र नहीं होता, तो राजा जो है किसी बच्चे को अगर गोद लेता है या अपना दत्तक पुत्र घोषित करता है, तो दत्तक पुत्र घोषित करने से पहले भी राजा को अंग्रेजों से पूछना होगा। और अंग्रेज अगर दत्तक पुत्र को अमान्य कर देते हैं राजा के उत्तराधिकारी के रूप में, तो वैसे क्षेत्रों को यहां पर ये क्या करेंगे अंग्रेज? अपने ब्रिटिश एम्पायर में विलय कर देंगे। यानी सीधा सीधा यह कह सकते हैं कि कोई भी राजा का अगर वंशज नहीं हुआ, उत्तराधिकारी नहीं हुआ, उस केस में देसी रियासतों का क्षेत्र अंग्रेजों के क्षेत्र में, ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया जाएगा। ठीक है, इसी कारण से इस नीति को एक और नाम दिया गया, गोद प्रथा, गोद प्रथा निषेध की नीति। कि अब कोई भी राजा, देसी रियासत का राजा, किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, क्योंकि यहां पर गोद प्रथा पर निषेध लगा दिया गया। इसके अलावा एक आधार और बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिस आधार पर ये देसी रियासत के क्षेत्र को हड़पेंगे, और वह था कि कुप्रशासन का आधार। कुप्रशासन के आधार पर, अब ये कुप्रशासन क्या होगा? तो ये कुप्रशासन कहा जाएगा कि अगर किसी क्षेत्र में राजा अपने प्रशासनिक कार्यों को अच्छे से निर्वहन नहीं कर पा रहा है और वहां पर अव्यवस्था फैली हुई है, उस मामले पर भी ब्रिटिश इंटरफेयर करेंगे और उस क्षेत्र को भी ये मिला लेंगे। ठीक, उस क्षेत्र को भी मिला लेंगे। जो आपको जो क्वेश्चन देखने मिला था ना कुप्रशासन के आधार वाला, वो यही है कि हड़प की नीति के तहत एक तो पुत्र अगर यहां पर नहीं होता, वंशज इनका नहीं होता, तब ये मिला लेंगे। और दूसरा आधार क्या था कि
यहां पर अगर प्रशासन अच्छा नहीं संभाल पा रहा, राजा का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, उस आधार पर भी क्षेत्रों का विलय किया जाएगा। ठीक, तो यह था हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कौन कौन से क्षेत्रों का विलय किया जाता है उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए। सबसे पहले इन्होंने मिलाया था, सबसे पहले जो क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का विलय किया गया वह क्षेत्र था सतारा का विलय किया गया महाराष्ट्र का सतारा। यह बात है वर्ष 1848 की। सतारा का विलय कर लिया गया। इसके बाद याद रखेंगे, सतारा के बाद संबलपुर का विलय कर लिया गया। संबलपुर के बाद बघाट के बाद उदयपुर, फिर झांसी, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र गोद लिया था, तो वहां पर भी यह हड़प की नीति लागू हुई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र झांसी। ठीक, इसके बाद एक क्षेत्र याद रखेंगे नागपुर को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास जिन्होंने पढ़ा होगा तो पता होगा कि रघुजी के समय में यहां पर क्या हुआ था कि जब भोसले शासक अंतिम हुए तो यहां पर गोद प्रथा की निषेध की नीति के तहत उस क्षेत्र का विलय कर लिया गया था। और नागपुर के क्षेत्र का विलय होते ही छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन अंग्रेजों का शुरू हो गया था, अंग्रेजों का। ठीक है, अगर आपको मॉडर्न इतिहास भारत का, आधुनिक इतिहास समझ में आता है तो आप बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को समझ सकते हैं। ठीक है, यहां के इतिहास को समझ सकते हैं तो वहां भी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक, और अंतिम रूप से याद रखेंगे अवध को। ठीक, अवध की अगर बात करें तो अवध को 1856 में मिलाया गया। और 1856 में जो मिलाया गया अवध को, उसका भी एक कारण था, और वह कारण क्या था? कुप्रशासन, बैड एडमिनिस्ट्रेशन। कुप्रशासन के आधार पर अवध के क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। बैड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ना होने के कारण इसका विलय कर लिया गया। ठीक, तो यह था क्या जिन क्षेत्रों को मिलाया गया। आपको पूछता कौन सा है, सबसे पहला वाला कौन सा है? सतारा को, है ना। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम देखें सहायक संधि के अंतर्गत कौन सा सबसे पहले आया था, तो वो था सतारा, हमको देखने मिला था HMT या S से आपका क्या हैदराबाद, M से मैसूर और तंजौर, वैसे ही हमें यहां पर देखने मिला सतारा। ठीक, इसके बाद हम देखें कि लॉर्ड डलहौजी ने और कौन कौन से कार्य किए, अब उनके और इंपॉर्टेंट कार्य देख लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1853 में बॉम्बे से लेकर थाने तक पहली रेलगाड़ी इन्होंने चलाई। इसके अलावा इनके समय काल में ही पोस्टल अधिनियम जारी किया गया। ठीक, इस पोस्टल अधिनियम के तहत यह था कि जो आप आज के टाइम में डाक टिकट देखते हैं, डाक टिकट, पहले डाक टिकट नहीं हुआ करते थे, लेटर में डाक टिकट नहीं चिपकाया जाता था। इसमें यह किया गया कि अब जो है लेटर जो भेजा जाएगा उसके लिए कैश ना लेकर
पहले होता था क्या, लेटर को भेजना है तो आप कैश देते थे, बट अब डाक टिकटों को जारी किया जाएगा और टिकट को लगाकर ही लेटर भेजा जाएगा। ये नियम कुछ यहां पर डाक पोस्टल अधिनियम बने थे। इसके अलावा हमको देखने मिलता है कि इस समय पर पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई, जिसे हम कहते हैं क्या, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग एक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। और अगर हम देखें तो इन्होंने शिक्षा में सुधार करते हुए, शिक्षा में सुधार करते हुए प्राथमिक स्तर पर देसी भाषाओं का शुरुआत किया, देसी भाषाओं की शुरुआत इन्होंने की, जिसे हम कहते हैं वुड डिस्पैच की पॉलिसी। वुड डिस्पैच एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा में सुधार, वुड डिस्पैच। ठीक, इस वुड डिस्पैच को शिक्षा का, एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कहीं आपको ऐसा पूछे शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे वुड डिस्पैच को कहा जाता है, शिक्षा का एजुकेशन का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। ठीक, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे भी ध्यान रखिएगा। इन्हीं के समय में 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। ठीक, जिसे हम कहते हैं विडो री मैरिज एक्ट, विडो री मैरिज एक्ट कहेंगे 1856। ठीक, याद रखना है ये लेकर आए हैं, परंतु पास या पारित जो है अगले गवर्नर जनरल के समय में होगा, ये इस एक्ट को लाने का काम करेंगे, पारित बाद में होगा। ठीक, तो इतना महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड डलहौजी ने अपने समय काल में किया था, और यही थे भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। ठीक, अब हम जो है 1856 तक पहुंच चुके हैं, और 1856 के बाद अगला जो नाम लेते हैं वो है 1857। अगला साल क्या है, 1857, और 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति जो हमारा अगला टॉपिक है। चलिए शुरू करेंगे 1857 क्रांति को। 1857 की क्रांति देखते हैं। ठीक, 1857 रिवॉल्ट। ठीक, सबसे पहले हम कारण की चर्चा करते हैं कि क्यों हुआ ये रिवॉल्ट, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। कारण, कारण के रूप में आपको देखने को मिलेंगे कि जो 1757 से जो कहानी चालू हुई, और 1757 के पश्चात अंग्रेजों ने जो कुशासन किया है ना, यहां पर देसी रियासतों का प्रशासन की बात नहीं हो रही है, अंग्रेजों के प्रशासन की, अंग्रेजों ने जो यहां पर प्रशासन संभालने का कार्य किया, उसमें किसान से लेकर शिल्पकार, राजा, मजदूर, जितने भी वर्ग हैं भारत में रहने वाले, सभी परेशान थे, सभी परेशान थे। इनसे कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जो इनसे बचा हो। ठीक, अगर किसानों की मैं चर्चा करूं तो किसानों के ऊपर हमको देखने मिलेगा कि उन्होंने स्थाई बंदोबस्त लागू किया, रैयतवाड़ी लागू किया, ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था वो लागू करेंगे, और ऐसी नई नई व्यवस्था लागू करके उनसे कर वृद्धि करके वसूलने का प्रयास करेंगे, जिससे किसान परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा शिल्पकार को अगर हम देखें, दस्तकारों को अगर हम देखें, जो कपड़े बुनते थे या मिट्टी के बर्तन बनाते थे, या लोहार, कोई लोहे का कार्य कर रहा है,
इनके सभी कार्य को, सभी काम धंधों पर अंग्रेजों ने अपने ब्रिटेन से जो फैक्ट्री से बनकर आ रहे थे, फैक्ट्री के गुड्स से या सामान जो बनकर आ रहे थे, उन्हें लाकर भारत में डंप करना चालू किया और भारत में बेचना चालू किया। बताया था भाई 1813 कि भारतीय कंपनियां अब यहां पर आएंगी और व्यापार करेंगी, क्योंकि ब्रिटेन में आया था क्या, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और औद्योगिकरण की उस औद्योगिक क्रांति में भारत के व्यापार तबाह हो गए, भारत के व्यापार तबाह हो गए, ये चीजें हमको देखने मिली। ठीक, राजाओं की अगर बात करें, आप सोचते होंगे कि राजा खुश थे क्या? नहीं, राजा भी खुश नहीं थे। राजाओं के ऊपर सुरक्षा घेरे की नीति, सहायक संधि, सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अभी अभी देखे डलहौजी का, ये सब क्या है? शुरुआत में एक्सटर्नल मामले पूरे राजाओं से छीन लिए गए, डलहौजी टाइम में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के दोनों छीन गए। राजा ने नाम मात्र का राजा कहला रहा है, बस नाम में, नाम के आगे बस लिखा है राजा। ठीक, और कुछ इसके पास अधिकार बचे ही नहीं। ठीक है, ये सब कारण थे। अब जो है यहां 1857 के समय में जो लोगों के मन में जो आग धधक रही थी, जो गुस्सा था, वो बाहर निकलकर आएगा, बाहर निकलकर आएगा। ठीक, और बाहर निकलने के लिए उस समय हमको एक तत्कालिक कारण देखने को मिला, तत्कालिक कारण। ये तो आपके 100 साल से चले हुए कारण थे, परंतु उस समय इंस्टेंट एक रीजन बना, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण, और वह तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण की अगर बात करें तो ये तत्कालिक कारण जो है, जो रीजन था, वह है सेना से संबंधित, सेना से संबंधित। और सेना की अगर मैं बात करूं तो ये बात हो रही है बंगाल के बैरकपुर की, बंगाल के बैरकपुर की चर्चा हो रही है, बैरकपुर की, जहां पर 34th इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री का एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे, मंगल पांडे। बैरकपुर का 34वीं इन्फेंट्री का एक पैदल सैनिक जिसका नाम है मंगल पांडे। अब यहां होता क्या है, बंगाल में ऐसा क्या हुआ और ये मंगल पांडे ने किया क्या? ठीक, जितने भी पॉइंट आप नोट कर रहे हैं सभी के सभी पूछे गए हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, 34th इन्फेंट्री का ये एक सैनिक था मंगल पांडे। देखिए उस समय होता क्या है? बात है वर्ष 1856 की, जब एक नई गन आती है जिसे कहते हैं एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल नाम की एक गन आती है। और इस बंदूक में उस समय यह होता है कि बारूद जो भरा जाता था, बारूद, उस बारूद को नमी से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए, नमी जो है ना बारूद को खराब कर देती है, तो बारूद को नमी से बचाने के लिए उस समय चमड़े का प्रयोग किया जाने लगा, कारतूस में चमड़े का प्रयोग किया जाने लगा। और चमड़े की जो कैपिंग होती थी उसे खोलने के लिए दांत का प्रयोग किया जाता था। दांत से आप चमड़े खोलेंगे तभी बारूद बाहर आएगा, तभी आप बंदूक चला पाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर चमड़े का जो प्रयोग किया गया, उस चमड़े में जानकारी मिली कि इस चमड़े में गाय की चर्बी या सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, सुअर, गाय की चर्बी या सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। ठीक, ध्यान समझिएगा। अब ये मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे लेकर आ जाते हैं मंगल पांडे को, ठीक, ये देखिए मंगल पांडे,
अब यहां पर जो मंगल पांडे है इसके हाथ में आपको जो गन दिख रही है, गन दिख रही है, इसी गन की बात हो रही है, एनफील्ड गन की, ठीक। अब होता यह है कि मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे उसको शुरुआत में पता नहीं होता कि इस कारतूस में चर्बी का प्रयोग किया गया है, और चर्बी वो भी गाय की, गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है, उसकी जानकारी नहीं होती। एक बार मंगल पांडे नहा कर आ रहा होता है, नहा के जब आ रहा होता है तो आते समय सामने उस समय एक शूद्र या पिछड़े जनजाति का एक व्यक्ति वहां से गुजरता है, और वो व्यक्ति जो होता है वह होता है कसाई खाने में कार्य करने वाला एक आदमी, कसाई, या आप सिंपल आप बोल सकते हैं कसाई होता है। अब वो कसाई जो है मंगल पांडे को देखकर हंसता है, और हंसने के बाद बोलता है वो कसाई कि मंगल पांडे अब तुम ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहे और हम छोटे जाति के नहीं रहे, अब हम दोनों क्या हो गए, समान हो गए हैं, समान हो गए हैं, और समान इसलिए हो गए हैं क्योंकि अब आप लोग भी जो बंदूकों का यूज कर रहे हो, बंदूक का प्रयोग कर रहे हो, उसमें चर्बी लगी हुई है, और चर्बी भी किसकी, गाय की, जिसको आप मुंह से लगाते हो और मुंह से लगाकर निकालते हो, खोलते हो। और यह बात जैसी मंगल पांडे को पता चली तो मंगल पांडे का पारा बिल्कुल बढ़ गया, बहुत गुस्से में आ गया, बहुत तमतम आ गया, और गुस्से में आने के पश्चात सबसे पहले वो अंग्रेज अधिकारी के पास गया, अंग्रेज अधिकारी के पास गया, और अंग्रेज अधिकारी के पास जाने के बाद मंगल पांडे जो है पूछेगा, क्या ये बात मैं सही सुन रहा हूं कि इसमें जो बंदूक आपने लाई है एनफील्ड राइफल, उसमें चर्बी का यूज किया गया है? तो वहां पर अंग्रेजों का जवाब आता है हां। तो यहां पर मंगल पांडे ने बोला कि आपके चर्बी के प्रयोग करवाने से, जो चर्बी युक्त कारतूस आपने दिया उसके प्रयोग होने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, और धर्म भ्रष्ट होना मतलब उस समय के लिए बहुत बड़ी बात हुई। धर्म का मुद्दा आज भी है तो पहले भी था, पहले भी था, और पहले तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो जाते थे, धार्मिक आंदोलन, आज भी आप देखते हो धर्म का नाम से लड़ाइयां होती, झगड़े हो जाते हैं, तो उस समय तो बात अलग ही है। तो मंगल पांडे उस समय इस बात का बदला लेने के लिए 29 मार्च 1857 को बंदूक उठाई और दो अंग्रेज अधिकारियों में की हत्या उसने कर दी, ठीक, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बाग, कैप्टन बाग, कैप्टन बाग की उसने क्या कर दी, हत्या कर दी 29 मार्च 1857, ठीक। अब धीरे धीरे यह बात सभी लोगों को पता चलने लगी, जिसमें हिंदू तो शामिल हुए गाय की चर्बी के कारण, परंतु मुस्लिमों के तरफ जो मुस्लिम सिपाही थे उनको जानकारी मिली कि ये जो चर्बी है सुअर की चर्बी है, तो वो भी क्या हुए, आक्रोशित हुए, और जो सैन्य विद्रोह हुआ बैरकपुर बंगाल में, उस सैन्य विद्रोह में हिंदू मुस्लिम दोनों के दोनों सिपाही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, और इस सैन्य विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे, मंगल पांडे थे, मंगल पांडे थे, ठीक, क्लियर है। तो यहां पर मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक कैप्टन बाग नाम के अंग्रेज की हत्या कर दी, और यहां पर बैरकपुर में एक सैन्य विद्रोह की शुरुआत हुई, सैन्य विद्रोह की शुरुआत, सिपाही रिवॉल्ट, सैन्य विद्रोह की शुरुआत हुई। इस सैन्य विद्रोह में कुछ समय के पश्चात मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, और 8 अप्रैल 1857 के दिन मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई और यह प्रथम शहीद के रूप में जाने गए, प्रथम शहीद के रूप में जाने गए, क्लियर है।
1857 को 8 अप्रैल 1857 के दिन मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, सजा दी गई। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, 29 मार्च की घटना है, 8 अप्रैल को फांसी की सजा हो गई और मंगल पांडे की मृत्यु हो गई। अब मंगल पांडे की जो मृत्यु हुई उसके पश्चात जो सिपाही विद्रोह हुआ, महीने दिन बाद मेरठ तक इसकी बात पहुंच गई, या यहां पर जो विद्रोह हुआ इसकी जानकारी मेरठ के सिपाहियों को, मेरठ यानी उत्तर प्रदेश, अभी आप बंगाल में थे, अब कहां बात हो रही है मेरठ की, उत्तर प्रदेश की, और मेरठ के सिपाही भी उग्र हो गए, और मेरठ के सिपाहियों ने उस समय दिल्ली पर आक्रमण करने की, चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहां पर मेरठ के सिपाही भी विद्रोह करने लगे, और यह घटना थी 10 मई 1857 के दिन मेरठ में भी सिपाही विद्रोह हुआ, मेरठ में भी सिपाही विद्रोह हुआ, और मेरठ के सिपाही 12 मई को 1857 के दिन दिल्ली पर कब्जा कर लिया, दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और दिल्ली पर कब्जा करने के पश्चात यहां पर मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया, ठीक। अब ये बहादुर शाह बिल्कुल मुगलों का अंतिम शासक है ना, एकदम ही कमजोर शासक के रूप में यहां पर बैठा हुआ है, ना कुछ कार्य करना है, केवल लाल किले के अंदर रहना है, लाल किले से कभी बाहर जाना है नहीं, लाल किले के अंदर ही सब चीजें मिल जाती थी, सब सुख सुविधाएं यही मिल जाती थी, पेंशन में जीवन गुजर रहा है, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। सम्राट बन गया तो भारी खुश हो गए, सम्राट बना दिया गया, इसे सपना जो देखता था वो पूरा कर दिया गया, इसे ऐसा लगा, दिल्ली का सम्राट इसे घोषित किया गया। परंतु इसकी खुशी जो है ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। सितंबर माह के आसपास 1857 में अंग्रेजों ने यहां आक्रमण किया, और आक्रमण करके दिल्ली में वापस कब्जा बना लिया, और दिल्ली में कब्जा करने के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद इसे रंगून के जेल भेज दिया गया, रंगून के जेल, और उसी रंगून के जेल में सन 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी। तो रंगून के जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी, कब? 1862 में, ठीक है। बताएंगे जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, ये रंगून कहां पड़ेगा, किस देश में पड़ेगा, इसके बारे में बताइए, ठीक है, रंगून कहां पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो ये थी शुरुआती स्टोरी जब सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई, और 1857 का जो आग है वह बंगाल से मेरठ पहुंचा और मेरठ से दिल्ली पहुंचा। अब जो 1857 का विद्रोह है पूरे उत्तर भारत में फैल जाएगा, और उत्तर भारत में जितने भी लोगों के मन में आक्रोश था अंग्रेजों के विरुद्ध, मन में जितना भी गुस्सा था, यह बाहर निकलना चालू हुआ, और युद्ध में सभी लोग शामिल हुए। तो हम देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में यहां पर नेतृत्व किया जाएगा राजाओं के द्वारा, और कौन कौन से अधिकारी इस नेतृत्व को समाप्त करेंगे, एक प्रश्न क्योंकि यहीं से बनता है, ठीक। तो एक छोटा सा हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद उसमें हम लोग देखेंगे। तो विद्रोह का प्रसार के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, विद्रोह का प्रसार कहां से कहां तक होगा, ठीक।
पहला पॉइंट हम देखेंगे किस स्थान पर होगा, स्थान के बारे में देखेंगे, स्थान के अलावा नेतृत्वकर्ता लीडर के बारे में देखेंगे, नेतृत्वकर्ता लीडर के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे दमनकर्ता के बारे में, दमनकर्ता कि किस अंग्रेज ने इस विद्रोह को खत्म किया। ठीक, तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा दिल्ली स्थित बहादुर शाह जफर, क्योंकि दिल्ली में नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, और इसके एक सेनापति जनरल बख्त खां ने इनकी मदद की थी, जनरल बख्त खां। ठीक है, तो ये कहां के, दिल्ली के। दिल्ली में जिस अंग्रेज अधिकारी ने इनका दमन किया, इस युद्ध को, इस विद्रोह को समाप्त किया, वह था हडसन। नाम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेगा, हडसन। दिल्ली में जिस अधिकारी ने इसे समाप्त किया वह था हडसन। क्लियर है, दिल्ली में कौन, बहादुर शाह जफर के विद्रोह को दमन किसने किया, हडसन। ठीक, दिल्ली के बाद अगला हमें देखने को मिलेगा वह है झांसी। झांसी में भी दत्तक पुत्र का अयोग्य घोषित करने के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई इस 1857 के विद्रोह में उतरेंगी। यहां पर हमें देखने मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व करेंगे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इसके अलावा यहां पर जो दमन करता होंगे उनका नाम होगा ह्यूगो रोज, जिन्होंने इस विद्रोह का दमन किया। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, अगला है कानपुर में हमें मिलेंगे नाना साहेब में का विद्रोह करने का कारण यह था कि इनके पेशवा के पद को समाप्त तो कर ही दिया गया था, याद है बिठूर में भेजा गया था मराठाओं के समय में, तो उस समय इनका पेंशन समाप्त कर दिया गया था, तो पेंशन समाप्त होने के कारण ये विद्रोह में उतरे थे, और इनके विद्रोह को समाप्त किया था, दमन किया था कैंपबेल ने। ठीक है, कैंपबेल ने इनके विद्रोह का दमन किया कानपुर में। ठीक, कानपुर में। इसके अलावा आगे देखें हम, ठीक, ये जितने भी पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्रोह का प्रसार आपको पूछता है कि कहां पर किसने लीड किया था विद्रोह का, और कहां पर किस अंग्रेज ने उस विद्रोह को समाप्त किया, यह भी पूछता है। ठीक, चलिए अगला हम बढ़ते हैं लखनऊ की तरफ। बताइए आप कमेंट सेक्शन में, लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था। कमेंट सेक्शन में जितने भी छात्र जुड़े हैं बताएंगे कि यहां पर लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में, तो लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, और यहां पर जिस अंग्रेज अधिकारी ने इसका दमन किया वह था लॉरेंस और कैंपबेल ने यहां के विद्रोह का दमन किया, लॉरेंस एंड कैंपबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल और लॉरेंस और कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया। अगला है इलाहाबाद, यहां पर थे लियाकत अली। ठीक, लियाकत अली के इस विद्रोह को दमन करेंगे जिनका नाम होगा कैप्टन नील। ठीक, इलाहाबाद के बाद
अंतिम बिहार में हम आएंगे, बिहार के जगदीशपुर में, बिहार के जगदीशपुर में जहां पर होंगे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, और इनके इस विद्रोह को दमन करेंगे जिनका नाम होगा विलियम टेलर, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ठीक, तो ध्यान से देख लीजिए, इसे ध्यान से देख लीजिए, जितने की भी नाम मैंने बताए हैं इसे ध्यान से देखिए और एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। बिल्कुल यहां से एक क्वेश्चन, एक नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा, दमनकर्ता कौन थे और नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक, दोनों के बारे में आपको पूछा जाता है। ठीक है, दोनों के बारे में आपको पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब लास्ट कुछ बिंदु और बता दूं मैं आपको। ठीक, इसके बाद ये आपका 1857 क्रांति वाला जो पॉइंट है चैप्टर वो समाप्त होगा, फिर कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करके आज के सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, आप जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं बिल्कुल धैर्य बनाए हुए हैं, उनको टॉप एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से जो सिलेबस करवाया जा रहा है उसे आप जितनी भी चीजें हैं उसे ध्यान से नोट करते जाइए। यह आपको एग्जाम के दिन पता चलेगा, जो आज आप मेहनत कर रहे हैं, आज आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका जो फल है आपको एग्जाम के दिन मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी छात्र जुड़े हुए बिल्कुल ध्यान से जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। ठीक, चलिए तो अन्य तथ्य के रूप में कुछ चीजों को ध्यान रखिए। अन्य तथ्य, अन्य तथ्य, अन्य तथ्यों में अगर मैं बात करूं तो उस समय क्रांति का, 1857 की क्रांति का प्रतीक या सिंबॉल हुआ करता था, प्रतीक या सिंबॉल हुआ करता था जिसे हम कहेंगे कमल और रोटी, सिंबॉल हुआ करता था कमल और रोटी। ठीक है, प्रतीक के रूप में इस क्रांति के समय कमल व रोटी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। ठीक, इसके अलावा 1857 के समय, इस क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, 1857 की क्रांति के पश्चात सैन्य विद्रोह की जांच कमेटी बनी, सैन्य विद्रोह की लिए जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी, और ये जांच कमेटी के अध्यक्ष थे, या जांच कमेटी के लिए जो आयोग बना वह था पील कमीशन, पील आयोग बनाया गया, पील कमीशन, पील आयोग बनाया गया इसी की जांच के लिए कि सैन्य विद्रोह एक्चुअल में हुआ कैसे। एंड लास्ट याद रखेंगे कि यहां पर 1857 का जो विद्रोह हो रहा है, ठीक, इसमें हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटेन में भी तो प्रधानमंत्री था कोई। ठीक है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री था, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में 1857 के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इसका जवाब आप देंगे। ठीक, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, आप बताएंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1857 के समय कौन था। ठीक, अब देखिए यहां पर 1857 क्रांति हो गई, 1857 की क्रांति का सफल होने ना होने का बहुत सारा कारण है। इसमें एक कारण तो यही है कि उत्तर भारत के जितने भी राजा थे वो शामिल थे, बट दक्षिण भारत के लोग इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कोई निर्धारित तिथि नहीं थी, निर्धारित तिथि नहीं थी, और जो निर्धारित तिथि थी उस डेट में, उस एक्सेप्टेड डेट में यह विद्रोह शुरू ही नहीं हुआ, उस एक्सेप्टेड डेट में विद्रोह शुरू ही नहीं हुआ। क्लियर है? ठीक, इसके अलावा आप देखते हैं
कि यह जो विद्रोह हो रहा है, विद्रोह उसके नेतृत्व की अगर मैं बात करूं तो नेतृत्व करता भी नहीं है। जो भी राजा, देसी रियासत के राजा रानी जो भी उतरे हैं वो अपने हित के लिए उतरे हैं, देश को आजाद कराने के लिए नहीं उतरे। ठीक, क्लियर है? तो इतने पॉइंट को आपको ध्यान रखना है जो इसके असफलता के कारण बने थे। चलिए कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। ठीक, बताइए, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। इसमें बताना है आपको सबसे पहले किसका विलय किया गया और सबसे बाद में विलय किसका किया गया। मैंने आपको क्रमानुसार लिखाया था, ठीक है, उसके अनुसार आपको बताना है कि किस क्रम में किसका विलय किया गया था, कौन से क्षेत्र का विलय किया गया। ध्यान से बताइए किसका विलय कब किया गया। ठीक, क्लियर है? तो यहां अगर सतारा की बात करें तो सतारा के बारे में मैंने बताया था 1848 में इसका विलय किया गया था। ठीक, उसके बाद SSB, ठीक है, तीन नाम हमने लिखे थे, सतारा, संबलपुर, बघाट। ठीक, तो बघाट को मिलाया गया 1850 में, उदयपुर 1852 में और लास्ट था 1853 झांसी। ठीक है, तो इसके अनुसार बताइए क्या होगा। तो 1, 3, 1, 3, 4, 2, ठीक है, तो 1, 3, 4, 2 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट होगा। ठीक, ठीक, तो यहां पर बताएंगे 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो कौन था वो जिसने 1858 में यह घोषणा पत्र पढ़ा? तो यहां 1858 के समय की अगर बात करें तो पहले वायसराय बनेंगे और गवर्नर जनरल रहेंगे जिनका नाम होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। ठीक, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, तो 1857 की क्रांति जब चल रही थी तो उसमें जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे का नाम, हमें जो रियल नाम जो मिलता है वह है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के समय संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी हुई? ठीक, सैनिक कानपुर में विद्रोह, नाना साहेब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पहुंचना या झांसी की रानी का विद्रोह। ठीक, तो यहां पर बताइए सबसे पहले कौन सी घटना हुई? सभी छात्र कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, सभी छात्र यहां पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे पहली घटना कौन सी हुई। ठीक, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब मेरठ में विद्रोह हुआ था, मेरठ के सिपाही कहां पहुंच गए थे? दिल्ली। मेरठ के सिपाही कहां पहुंचे थे? दिल्ली के लाल किले पहुंचे और दिल्ली के लाल किले पहुंचकर दिल्ली पर उन्होंने कब्जा किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, और इसके बाद जो थे अन्य विद्रोह हुए थे। ठीक, चलिए बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको यहां पर कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वह है ना, कंफ्यूजन आपको होगा, बताएंगे यहां पर आंसर क्या होगा। ठीक, बताइए, तो यहां मैंने आपको बताया था एक एनफील्ड राइफल आई थी और मैंने बताया कि यह आएगी 1856 में, परंतु आपको यहां पर कंफ्यूज किया गया और बोल दिया गया कि नवंबर में आएगी, दिसंबर में आएगी। 1856 तो पहुंच गए बट नवंबर दिसंबर के बारे में आइडिया नहीं है, तो याद रखिएगा 1856 दिसंबर में यह एनफील्ड राइफल आई। ठीक, क्लियर है यहां तक? तो आज जो है हमने प्रश्नों के साथ साथ जो हमारा टारगेट है कि सिलेबस को खत्म करना, वो सिलेबस में हम 1857 तक आ चुके हैं। अब 1857 के बाद आपको देखने मिलेंगे वायसराय, और वायसराय के समय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी शुरुआत हो जाएगी। तो अब जो वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, वह हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ ले जाने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश भी वहां पर करेंगे।
ठीक है, कुछ प्रश्न आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप बताएंगे उसके आंसर क्या होंगे। यहां ध्यान से देखिए, क्लियर है, यहां पर बताइए इस प्रश्न का जवाब देंगे सब छात्र। इस ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ आपको कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के ऐप में मिल जाएगा। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के ऐप में आप जाएंगे तो कोर्सेस वाले सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन को आप फिर से देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको जानकारी देना चाहूं कि अगर आपको सेशन अगर पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको किए जाते हैं उसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। ठीक, हमारा जो प्रयास है वह यह है कि आपको संपूर्ण सिलेबस कराया जाए और आपको जो एग्जाम आप जो देने जा रहे हैं, ठीक, सीजीपीएससी का जो एग्जाम देंगे उसके लिए आपकी तैयारी पूरी हो। ठीक है, हमारी कोशिश आपके लाइक पर निर्भर करती है, आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे हम उतना ज्यादा आपके लिए बेहतरीन प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।